जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि आप एक ऐसी नाव में बैठे हो जिसे 100 से भी ज्यादा नाविक एक साथ पानी को चीरते हुए नाव को आगे बढ़ा रहे हो, और साथ ही नाव में मौजूद एक टोली ढोल नगाड़ों और जोशीले गीतों के साथ मनोरंजन का माहौल बनाए। हमें यहाँ इमेजिन करने में इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो जो उस नाव में बैठते होंगे उनका एक्सपीरियंस कितना अलग होता होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे केरल के ओणम त्योहार और उससे जुड़ी खास बोट रेस के बारे में, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में चलते हैं। अगर आप इस त्योहार की विशेषताओं के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। वैसे तो श्रावण का महीना भारत के लिए बहुत ही खास होता है। देश के हर भाग में चारों ओर हरियाली छाई होती है और साथ ही त्योहारों की वजह से देश में धार्मिक माहौल देखने को मिलता है। केरल का ओणम त्योहार ये भी इन्हीं त्योहारों में शामिल है। इस त्योहार की खास बात ये है कि इस दिन लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते बल्कि घर में ही पूजा की जाती है। कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम के एक असुर राजा था और इसी के आदर में लोग ओणम मनाते हैं। उनका मानना है कि ओणम त्योहार के दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने हर किसी के घर आते हैं। ओणम त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये त्योहार खासकर बोट रेस की वजह से प्रसिद्ध है। बोट रेस केरल की भव्य और जीवित परंपराओं का एक अनूठा नमूना है। यहाँ काफी तरह की बोट रेस होती है और हर किसी की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। रेस में भाग लेने वाली नाव सांप की तरह बनी हुई होती है, इसीलिए इसे सर्प नाव का दौड़ कहा जाता है। अलग अलग गांव से आने वाली नावों को 100 से भी ज्यादा नाविक पूरे बल के साथ दौड़ाते हैं और 4-5 लोग नाव के अंदर नाविकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्र बजाते हैं और लोकगीत गाते हैं। हर नाव पर एक मुखिया व्यक्ति होता है जो कि नाविकों को निर्देश देता है। नौका दौड़ केरल की पहचान से जुड़ी है और चंपककुलम नौका दौड़ का नाम तो केरल में जोरों से गूंजता है। ये राज्य की सबसे पुरानी सर्प नौका दौड़ों में से एक है और हर साल इससे नौका दौड़ के मौसम की शुरुआत होती है। अल्पपुषा जिले के चंपककुलम गांव में पम्बा नदी पर इस दौड़ का आयोजन होता है। जून या जुलाई में आयोजित होने वाली ये दौड़ लाखों की भीड़ जुटाती है। प्राचीन नौका गीतों की गूंज के बीच जब विशाल नौकाएं पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं तो एक रोमांच का अनुभव होता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे नौका दौड़ के रोमांच का श्री गणेश होता है जो अगले कुछ महीनों तक राज्यों में छाया रहता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की प्रमुख स्नेक बोट रेसों में से एक है। इसका आयोजन हर साल अगस्त महीने के दूसरे शनिवार को किया जाता है। बड़ी संख्या में जुटकर लोग यहां लगभग 100 फीट लंबी नौकाओं की रेस का आनंद उठाते हैं। पुनमट्टा झील इस रेस का स्थान है जहां प्रतिभागी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इस लोकप्रिय नाव प्रतियोगिता के नाम की कहानी सन 1952 में जवाहरलाल नेहरू की यात्रा से जुड़ी है। वो इस भव्य सर्प नौकाओं की दौड़ को देखकर इतने एक्साइटेड हुए कि वे अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर खुद भी एक बोट में जा बैठे। इसी वर्ष बाद में उन्होंने यहाँ गुजारे अपने समय की याद में स्नेक बोट के प्रतीक के रूप में एक चांदी की ट्रॉफी भेंट की, इसलिए आगे चलकर इस रेस का नाम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस रख दिया गया। आलमुला नौका दौड़ केरल की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नौका दौड़ है। मलयालम महीने चिंगम में इसका आयोजन किया जाता है। ये अपनी भव्यता और विशिष्ट इतिहास के लिए जानी जाती है। आलमुला एक विरासत गांव है जो कि पंपा नदी के तट पर केरल के पतनतिट्टा जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक श्रद्धालु ब्राह्मण ने त्रिवोणा भोज परंपरा की सभी चीजें प्रदान करने का वादा किया था। सारी चीजें त्रिवोणा तोड़ी नाम की नाव के जरिए आलमुला श्री पार्थसारथी मंदिर को भेजा जाना था। यात्रा के दौरान नौका पर शत्रुओं के दल ने आक्रमण कर दिया। हालांकि आसपास के इलाके से सर्प नौकाएं उसकी रक्षा के लिए आगे आईं और यहीं से इस क्षेत्र में विशिष्ट सर्प नौका दौड़ की शुरुआत होती है। अपने आप में सर्प नौका दौड़ श्री पार्थसारथी मंदिर के भगवान श्री कृष्ण को एक भेंट है। माना जाता है भगवान 6 बांसों से निर्मित एक बेड़े पर सवार होकर इस तट पर आए थे, जिससे गांव का नाम आलमुला और 6 बांस पड़ गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।